21 जनवरी 2014 आज ही के दिन मैं और मेरे फौजी बाबू शादी के इस पवित्र बंधन में बंधे गए थे और आज 21 जनवरी 2024 को हमारा शादी का 10 साल कंप्लीट होने वाला है और हस्बैंड के पसंदीदा कलर की साड़ी पहन के मैं तैयार हो गई और आज हस्बैंड जी मेरा कुछ वीडियो निकाल देने वाले हैं और मुझे घुमाने ले जाने वाले हैं। वैसे तो प्लानिंग था कुछ और, 10th एनिवर्सरी कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेशन करने का मन था, लेकिन प्लानिंग चेंजेस हो गया और हम लोग हमारे कैंप के ब्यूटीफुल सा जो स्टेडियम है उधर ही जा रहे हैं कुछ वीडियोस निकालने और मुझे घुमाने लेके जा रहे हैं। और आज साथ में आरुष नहीं है, आज सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड घूमने निकल रहे हैं। शादी के 10 साल कंप्लीट होने के बीच में बहुत सारे अपन्स डाउन्स आए थे, लेकिन अभी आज का दिन लग रहा है मतलब कितनी जल्दी ये 10 साल ख़त्म हो गया और मतलब कितने जल्दी हम लोग मतलब बड़े होते जा रहे हैं, मतलब थोड़े एज होते जा रहे हैं। एनिवर्सरी टूर होते ना कि हाँ घूरते नहीं आसे हमके আজ আমাদের 10th অ্যানিভার্সারি কমপ্লিট হলো ওর জন্য ঘুরতে নিয়ে আসছে আমাকে। কত ভালো জায়গায় ঘুরতে নিয়ে আসছি, দেখো পুরো স্টেডিয়াম সব জায়গায় ভালো করে দেখাচ্ছি, কত সুন্দর। आज के वीडियो का जितने सारे क्लिप्स है उसका ज़्यादातर क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, उन्होंने ही मुझे लेके आया बाहर और अच्छे अच्छे क्लिप्स निकाल के दिए। आज के दिन का प्रोग्राम इधर ही ख़त्म नहीं हो रहा है, घर जाने के बाद डेकोरेशन और सेलिब्रेशन भी होगा। छोटू कार एनिवर्सरी तुम्हारा नाम और तुम्हारा अमर प्रेम वैसे तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था मेरे लिए। सुबह उठने के बाद खाना बनाना, मेहंदी लगाना, तैयार होना, फिर बाहर जाना, तो इसी के बीच में मैं केक बनाना बिल्कुल भी भूल गई। तो आज मुझे केक बनाने में मदद कर रही है प्रियंका, जितना भी डेकोरेशन है कलर कॉम्बिनेशन है सब कुछ प्रियंका कर दी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर प्रियंका केक बना के नहीं देती मुझे तो आज मतलब पता नहीं कब सेलिब्रेशन करते और कब केक कटिंग होता। आप लोग देख ही सकते हैं कि प्रियंका इधर केक बना रही है और मैं इधर तैयार हो रही हूँ। तैयार होने के बाद तो वैसे तो पार्टी में किसी को नहीं बुलाया, लेकिन आखिर में प्लानिंग कुछ चेंजेस हो गया। क्या चेंजेस हो गया वो आप लोग खुद देख लीजिए। Thank you.
ठीक है ना, सारे के मैचिंग आ रहा है इसका केक का। ये बोले तैयार तो हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे याद आया मैंने हाथों में चूड़ी नहीं पहनाया जो मुझे प्रियंका ने याद दिलवाया, तो जाके मैं फिर से चूड़ी पहन रही हूँ। और उसके बाद मैं मेरा एक्स्ट्रा काम। हाँ क्या दीदी, फास्टिंग थी ना सुबह से, तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। थोड़ी देर के लिए कैंप पे मेरी एक प्यारी सी बहन है शिल्पी सिंह, तो मैं उसी को ही बुला रही थी पार्टी में। वैसे तो पार्टी में किसी को नहीं बुलाया, लेकिन आखिरी टाइम पे मैंने सबको केक खाने के लिए बुलाया था, केक कटिंग के टाइम रहने के लिए बुलाया। कोरोना जनवरी में आया नहीं था। 10 years complete हो गया। आरुष, उनको छोड़ो, इधर आ जाओ। उनको छोड़ो, आरुष, आरुष केक कटिंग बाबा। चम, चम, इधर भी ले लेते हैं। अच्छा। कुछ नहीं बोले, पैर पड़े आप भैया, कुछ नहीं बोले, आशीर्वाद नहीं दिया। सदा सौभाग्यवती बाबा भैया, सदा सौभाग्यवती बाबा। तो दोस्तों 10th एनिवर्सरी में मुझे बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले थे, जो कि मैं पहले से ही परचेस करके रख दिया, वो मेरा पसंदीदा भी था, लेकिन रिवील मैंने आज के दिन ही किया। पहले तो मुझे मिला एक सिल्वर का एंकलेट, यानी पायल, मैंने पहनाने के लिए उनको बोला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, लेकिन वो नहीं पहनाया। उसके बाद आता है मेरी नेक्स्ट मतलब सेकेंड गिफ्ट की बारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास था मेरे लिए। इसमें बहुत छोटा एक गिफ्ट है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड प्यारा। एक्सपेंसिव नहीं, मतलब बहुत प्यारा गिफ्ट है, मेरा पसंदीदा है बहुत दिनों से।
हाथ है इसका। चल रहा है 9 मिनट 30 सेकंड। बोल लो ना, मैं बोला बोलना वहाँ पे बोलते तो मैं तो बोल लेना। थैंक यू बोल लेना है। थैंक यू बोल लेना आज तो बोल लेना। थैंक यू सो मच इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए और मेरे साथ 10 इयर्स खत्म करने के लिए और आगे और 90 इयर्स तक चलना है साथ में। ठीक है, जितना भी बेटा हो ज्यादा हो जाएगा। बैंड हो गई तो बैंड हो गए तो पता है। हां ऐसा बैंड हो गया। हां ओके दादा लेवेंडर। हां देखो तो दो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हैप्पी एनिवर्सरी। बैंड होने में बाबू को प्रॉब्लम होता है लेकिन और इसमें फुल्टो होने है। थैंक यू। चैंप आजो अभी आजा आजो सब आजा सब आजा सब आजा। हाय ना आलो पापा के पास जाओ मम्मी के पास वीडियो बना रहा हूँ माथा माथा में ऐसे लगा नहीं तो ये पास है, दूर में मत करो ऐसे, इतने दूर में दूरी में रखो जैसे कैंडल हो। अभी रेडी कर लो अच्छे से, वीडियो कर रहे हो ये तो कर रहे, ये भी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है ना এটা বিয়ের খাবার না বউভাতের খাবার? এটা বইবে। হ্যাঁ বিয়ের খাবার। হুম তাহলে এখনো বউভাতের খাবারটা বাকি আছে বলো। কালকে পর কি হবে? চিকেন বিরিয়ানি। ও কে বানাবে? তুমি তুমি আজকে আমি বানিয়েছি, আজকে মেয়ের বাড়িতে প্রোগ্রাম, কালকে ছেলে বাড়িতে প্রোগ্রাম, কালকে তুমি বানাবে। ঠিক আছে কমপ্লিট কমপ্লিট কমপ্লিট। তো আমাদের অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে। কটা বাজে এখন? 11টা বাজে। তেমন কোনো প্রোগ্রাম করিনি, সিম্পল ভাবে আমরা সেলিব্রেট করলাম, ছোট কিন্তু অনেকটা মজা হয়েছে। আচ্ছা সামনে আসেন। হ্যাপি 10th অ্যানিভার্সারি মিস্টার হাজবেন্ড। তোমাকে হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। কেমন লাগলো ভিডিও, আমাদের অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও। ভিডিও লাইক করতে একদম ভুলবে না, তোমরা সবাই অনেক কম কম ভিডিও লাইক করো, সত্যি অবশ্যই অবশ্যই লাইক করো, কমেন্টস করো, দেখতে থাকো সিম্পলি শ্যাডো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। मैं सबको আমি সবাইকে বাই বলে দিয়েছিলাম যে ব্লগিং শেষ, আমাদের অ্যানিভার্সারি বাংলায় করছিলাম। আমার ভিডিও বানিয়ে দিতে দিতে বেচারার কষ্ট হয়ে গেছে,
मेजर 8 पार छे दा एनर्जी पूरो टाइ मतलब ड्रेन होए गया छे और আমাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে তুমি তো অনেক সুন্দর না সুন্দর লাগছে কিন্তু না তবে শাড়ি পরে সবাইকে সুন্দর লাগে আর বাঙালি ওদের একটু বেশি সুন্দর লাগে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমার একটু দুঃখ লাগছে আমার বরটাকে নিয়ে কারণ বরের অ্যানিভার্সারি হ্যাঁ অবশ্য বিয়ের দিনও তো ওকে এতটাই ঠিক খাটনি করতে হয়েছিল বিয়ের দিনও তো এতটাই কষ্ট হয়ে গেছে চলো টাটা বাই লাভ ইউ